A very good morning, class. Myself Diksha Gupta, and I welcome you all in your science class. Students, as you all know, we are discussing our chapter number seven, that is, getting to know plants. And so far, we have discussed about roots, leaves, stem, herbs, shrubs, what are creepers, what are climbers, in detail. I hope that is clear to you all. So let's move towards our next.

फिगर्स दिखाई गई हैं पिक्चर्स बताई गई हैं सेवन पॉइंट नाइनटीन फिगर में ए बी और सी ठीक है पहली है ब्रांच है एक जिसमें लीव्स नहीं लगे हैं दूसरी है जिसमें लीव्स हैं ब्रांच पे तीसरी है एक ऐसे ब्रांच जिसमें लीव्स भी हैं और फ्लॉर्स भी हैं कह रहे हैं कि आपको कौन सा इन तीनों फिगर्स पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर जो है वो बेस्ट यूज़ होगी हेल्प करेगी आपको प्लांट को रिकोगनाइज करने में वो है पिक्चर नामबर सी ठीक है विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लॉर इन फिगर सेवन पॉइंट नाइनटीन बच्चे इसमें कलर जो फ्लॉर का है वो है रेड ठीक है बाकी तो हमें पता है हमें लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की और ऑल फ्लावर्स कलरफुल कह रहे हैं कि सारे फ्लावर्स कलरफुल होते हैं येस ऑल फ्लावर्स आर कलरफुल हैव यू हैव सीन फ्लॉर्स ऑन द प्लांट्स ऑफ ग्रास वीट मेज़ मैंगो और गावा कह रहे हैं कि क्या आपने कभी इन प्लांट्स में फ्लॉर्स देखे हैं इफ़ यू सी एनी फ्लॉर्स इन दीज प्लान्ट आर दे ब्राइटली कलर्ड और अगर देखे हैं तो वो क्या वो भी ब्राइटली कलर्ड हैं ठीक है बच्चे फ्लॉर्स जो होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड ही होते हैं सो लेट्स मूव टू वर्ड एक्टिविटी नंबर टेन ठीक है वी वुड रिक्वायर अब हमें क्या चाहिए इस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट्स एक बर्ड चाहिए ठीक है, है टू फ्रेश फ्लॉर्स चाहिए ऑफ ऑफ़ एनी द फॉलोइंग किसी के भी धतूरा के चाइना रोज के मस्टर्ड के ब्रिंजल के लेडी फिंगर या गुलमोहर किसी एक प्लांट के फ्लॉर्स हमें चाहिए लेकिन टू फ्रेश फ्लॉर्स चाहिए एक ब्लेड चाहिए ग्लास स्लाइड चाहिए या शीट ऑफ पेपर चाहिए मैग्नीफाइन ग्लास चाहिए और वाटर चाहिए है ठीक है, है, है।, है बच्चे अब एक्टिविटी में है क्या है देखते हैं कह रहे हैं ऑब्जर्व फिगर सेवन पॉइंट ट्वेंटी ये है बच्चे फिगर सेवन पॉइंट ट्वेंटी केयरफुली लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ ओपन फ्लोर दीज आर दैटल्स ऑफ द फ्लोर्स डिफरेंट फ्लोर हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स कह रहे हैं कि जो प्रोमिनेंट पार्ट प्रोमिनट पार्ट होता है जो दिख रहा है मेन पार्ट प्रोमिनेट पार्ट दिख रहा है जो फ्लोर का ओपन फ्लोर का उसको ध्यान से देखो वो पैटल्स हैं ये ओपन फ्लोर है क्लोज फ्लोर को बर्ड बोलते हैं ठीक है बच्चे ये ओपन फ्लोर है ये जो कह रहे हैं प्रोमिनंट पार्ट प्रोमिनंट पार्ट मतलब जो ब्राइट दिख रहा है मेन पार्ट वो पैटल्स हैं ठीक है थीके? और कह रहे हैं कि डिफरेंट फ्लॉर्स में पैटल जो हैं वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं इन्हीं पैटल्स यही पैटल्स का कलर्स जो होता है वो चेंज होता है हर फ्लॉर में बच्चे ठीक है जिसकी वजह से हम बोलते हैं फ्लॉर कलरफुल फ्लॉर है ठीक है बच्चा ये है बर्ड और ये है फ्लॉर अब ये जो नीचे दिख रहे हैं ये है हमारी सेपल्स और ये जो जिसने फ्लोर को फ्लोर को कवर करके रखा हुआ है इसको ग्रीन कलर के पोर्शन को लीव्स जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लोर के पास इसको हम सैपल्स बोलते हैं और अंदर जो कलरफुल पार्ट है ग्रीन कलर को छोड़ के वो हम पैटल्स बोलते हैं ठीक है बच्चे आई होप पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपको नेक्स्ट है वेयर डू यू थिंक द पैटल्स आर इन अ क्लोज बर्ड कह रहे हैं कि अब आपको क्या लगता है कि पैटल्स क्लोज बर्ड में पैटल्स कहाँ पे हैं मैंने आपको अभी बताया पैटल्स कहाँ पे हैं सेपल्स के अंदर है एंडक्लोज हैं ठीक है विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बर्ड प्रोमिनेंट पार्ट बर्ड में हमें क्या दिख रहा है प्रोमिनेंट पार्ट ठीक है डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बच्चे बर्ड में जो प्रोमिनेंट पार्ट है प्रोमिनेंट पार्ट मतलब प्रोमिनेंट पार्ट होता है जो हमें दिख रहा है ज्यादा ज्यादा दिख रहा है वो है सेप्पल्स यहाँ पे क्योंकि बर्ड तो एनक्लो सॉरी पैटल्स तो सेप्पल्स ने कवर किए हुए हैं और यहाँ पे प्रोमिनेंट पार्ट मतलब जो मेन दिख रहा है सिर्फ वही पार्ट दिख रहा है बाकी कम कम है दिख रहा है वो है पेटल्स ठीक है बच्चे और कह रहे हैं बर्ड में आप देख रहे हो कि इस ये पार्ट किससे बना है मैंने आपको बोला ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है इनको हम क्या बोलते हैं सेप्पल्स बोलते हैं मैंने आपको अभी बोला सेप्पल्स बोलते हैं जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है फ्लोर के पास टेक अ फ्लोर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेप्पल नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक फ्लोर लो और उसके पेटल्स और सेपल को क्या करो ऑब्जर्व करो ध्यान से देखो और इन क्वेश्चन के जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर्स बताओ हाउ हमारे सेप्पल्स जो रिजर्व जो आपने फ्लोर लिया है उसमें कितने सेपल्स हैं बच्चे मोस्टली सेपल्स जो होती हैं एक फ्लोर में फोर टू फाइव होते हैं ठीक है बच्चा और ज़रूरी नहीं है हर फ्लोर में सेपल हो ठीक है आर दे ज्वाइन टूगैदर अब सेप्पल्स यहाँ पे सेप्पल्स क्या है ये जॉइन नहीं है इकट्ठे ये देखो अलग है ये ये अलग है इकट्ठे जॉइन नहीं है ठीक है वट आर द कलर्स ऑफ द पैटल्स एंड द सेप्पल्स सेप्पल्स और पैटल्स का कलर सेप्पल्स मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं और जो पैटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं ठीक है बच्चे हाउ मैनी पैटल्स डू डज योर फ्लोर है अब जो आपने फ्लोर लिया है उसके पैटल्स कितने हैं ठीक है कभी कभी ऐसे लार्ज लार्ज अमाउंट में भी पैटल्स हमें देखने को मिलती हैं ठीक है थीके? कभी कभी कोई फ्लॉर होता है जैसे चाइना रोज हो गया उसमें पेटल्स होती हैं आई गेस वन टू थ्री फाइव या फोर होती हैं ठीक है डू द फ्लोर विद जॉइंट हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और दे जॉइंट टुगेदर बच्चे जो पैटल सेप्पल जॉइंट होती हैं जिस फ्लोर में सेप्पल जॉइंट होती हैं उसमें पेटल्स भी क्या होती हैं जॉइंट ही होती हैं ठीक है बच्चा अब कह रहे हैं एक टेबल बनाओ आपने जो ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी ऑब्जर्वेशंस पे एक टेबल बनाओ टेबल सेवन पॉइंट थ्री और उसमें इन ऑब्ज़रवेशंस को टेबल पे ऐड करो फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू लोकेलिटी वेयर दीज प्लान देर आर प्लान्स विद फ्लॉर्स अब कह रहे हैं कि इसमें ऑब्जर्वेशन इस टेबल में ऑब्जर्वेशन और ऐड करो जब आप फील्ड ट्रिप पे जाओगे लोकेलिटी में तो वहाँ पे आप फ्लॉर्स देखोगे और प्लांट्स देखोगे तो उन वो भी ऑब्जर्वेश आपने इस टेबल पे ऐड करनी है फ़िल द लास्ट टू कॉलम्स ऑफ्टर यू हैव गॉन थ्रू द इंटायर सेक्शन आप कह रहे हैं कि जो लास्ट के टू कॉलम्स हैं वो आप कब फिल करोगे जब आप पूरा सेक्शन फ्लोर का पढ़ लोगे ठीक है बच्चे सो दिस इज द टेबल सेवन पॉइंट थ्री ऑब्जर्वेशन ऑफ अ फ्लॉर नेम ऑफ फ्लॉर पहला इन्होंने दिया है रोज इसमें पैटल्स क्या होती है मैंने आपको बोला ना बहुत ज़्यादा होती है रोज आपने देखा भी होगा मैं नहीं होती है, और कलर भी वट नंबर एंड कलर ऑफ पैटल्स पैटल्स तो बहुत ज्यादा होती है और कलर क्या होता है कोई भी फ्लॉर रोज हो सकता है पिंक हो सकता है येलो है लाइट पिंक है ठीक है रेड है मैरून है ठीक है कितने कलर्स होते हैं जो आपने फ्लॉ लिखा है उसका कलर लिखना है नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स सेपल्स फाइव होती हैं इसमें ठीक है कलर जो होता है सेपल्स का ग्रीन होता है ठीक है बच्चा आर द सेपल्स जॉइंट टुगेदर और सेपरेट सेपरेट होती हैं रोज में सेपल्स आर स्टेम्स फ्री और जॉइंट टू पेटल्स अभी स्टेमन्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे अभी ठीक है बच्चा पेटल्स प्रेजेंट और एपसेंट पेटल्स क्या होती हैं कलरफुल पार्ट ये प्रेजेंट होता है ठीक है स्टेमस क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो बचा है हमारा उसमें क्लियर करते हैं आपको ठीक है बोल रहे हैं टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ अ फ्लोर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन कह रहे हैं कि जो अब इनर पार्ट्स जो आपने फ्लोर के इनर पार्ट्स भी होते हैं ठीक है थीके? वो होते हैं ना जिसमें पाउडर जैसा होता है येलो कलर का ठीक है या ये ऐसा स्ट्रक्चर भी होता है प्लांट्स में अब कह रहे हैं कि फ्लोर में इनको क्लियरली देखने के लिए आपको फ्लोर को क्या करना पड़ेगा कट करना पड़ेगा इफ़ इट्स पैटल्स आर ज्वाइंट अगर उसकी पैटल्स क्या है जॉइंट है फॉर एग्जाम्पल दतूरा या बेल शेप फ्लोर है ये है बच्चे आपको फिगर दी गई है बेल शेप फ्लोर की है ना बेल की शेप में यहाँ से नीचे से है ना ऊपर से ओपन है और नीचे से पूरा अनकलोज है ऐसे ठीक है बेल शेप फ्लोर या कोई भी दतूरा का फ्लोर है इसमें पैटल्स क्या होते हैं इनको लेंथ वाइज काटना पड़ता है क्योंकि ये पैटल्स क्या हैं जॉइंट हैं अलग अलग नहीं दिख रही हैं ये जॉइंट हैं तो lengthwise इसको काटना पड़ेगा ठीक है और इसको निकालना पड़ेगा स्प्रेड करना पड़ेगा ताकि हमें इनर पार्ट जो है वो क्लियरली दिख जाए ये हमें फिगर दिखी है सेवन पॉइंट ट्वेंटी टू ठीक है ये देखो लेंथ वाइज काटा है सेप्पल पेटल्स को यहाँ से निकाला है ये सेप्पल हैं हमारी ठीक है बच्चा और ये जो पार्ट है इसको हम सेंटर पार्ट जो होता है ना एक लॉन्ग स्टिक इसको बोलते हैं हम पेस्टल ठीक है ये होते हैं हमारे स्टेमन जो पिस्टल को एनक्लोज करके रखते हैं ये होते हैं स्टेमिन ठीक है ये स्टैमन का फर्दर डिटेल्ड व्यू दिखाया गया है आपको स्टेमन किस किस से बना होता है ये है एंथर और ये फिलामेंट तो इस दोनों चीज़ों को कंपाइल करके क्या बनता है स्टैमन बनता है ठीक है बच्चा अब कह रहे हैं रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द रेस्ट ऑफ़ द पार्ट्स मैंने आपको बता दिया रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ठीक है अब कह रहे हैं कि केयरफुली कंपेयर योर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेम एंड पिस्टल फ्लोर अब कह रहे हैं कि जो आपके पास फ्लोर है उसको भी केयरफुली ऑब्जर्व करो और स्टैमन और पिस्टल्स भी उसके जैसे हमने अभी पढ़ा क्या वैसे ही हैं वो देखिए है आप ठीक है बच्चे आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी ये वाली स्टैमन्स की और पिस्टल की ठीक है नाउ लुक एट फिगर सेवन पॉइंट ट्वेंटी थ्री क्लेरफुल कह रहे हैं कि इस ट्वेंटी थ्री सेवन पॉइंट ट्वेंटी थ्री फिगर जो है उसको क्लियरफुल देखो इट शोज द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैमस प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लोर्स अब कह रहे हैं कि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैमन्स दिख रहे हैं जो डिफरेंट फ्लॉर्स में होते हैं ठीक है कैसे दिख रहे हैं डिफरेंट काइंड के यहाँ पे देखो इस पिक्चर में ये कैसा है एंथर इस पिक्चर में देखो एंथर की शेप दूसरी है नीचे फिलामेंट भी दूसरा है अलग शेप का है यहाँ पे स्ट्रेट फिलामेंट है यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गई ये लाइन ठीक है यहाँ पे एंथर कैसा है ठीक है यहाँ पे बाहर की ओर है यहाँ के यहाँ पे अंदर की ओर फोल्ड है यहाँ पे बाहर निकला हुआ है यहाँ पे यह अलग शेप का है एंथर ठीक है बच्चे कह रहे हैं कि ये अलग काइंडस के क्या हैं स्टेमन्स हैं जो डिफरेंट फ्लावर्स पे प्रेजेंट होते हैं कैन यू रिकॉग्नाइज बोथ द पार्ट्स ऑफ द स्टेमन इन न्यू फ्लोर कह रहे हैं कि क्या आपके फ्लोर में आपने रिकॉग्नाइज किया दोनों पार्ट्स को फ्लोर स्टेमन्स के दो पार्ट्स क्या हैं स्टेमनस के एंथर और फिलामेंट ठीक है इसी से क्या बनता है स्टेमन बनता है हाउ मैनी स्टेम आर देयर इन न्यू फ्लोर ड्रा वन स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट्स अब कह रहे हैं कि आपके फ्लोर में कितने स्टेमन हैं उसमें से एक स्टेमन को ड्रॉ करो अब ये भी स्टेमन ड्रॉ कर सकते हो बच्चे ठीक है आप स्टेमन को ड्रॉ करो उसके पार्ट्स को लेबल करो क्या क्या लेबल करना है उसमें एंथरो फिलामेंट ठीक है द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लोर इज कॉल्ड द पिस्टल अब मैंने आपको बोला स्टेम के अंदर भी एक एनक्लोज पार्ट होता है बच्चे ठीक है वो पिस्टल होता है जिसमें स्टेम ने जिसको कवर किया होता है उसको हम क्या बोलते हैं पिस्टल बोलते हैं जरूरी नहीं है बच्चे कि जिस फ्लोर में स्टैम्स हो उसमें पिस्टल हो कभी कभी क्या होता है फ्लोर्स में पिस्टल एक कोई फ्लोर ऐसा होता है जिसमें सिर्फ पिस्टल होता है और कोई फ्लोर ऐसा होता है जिसमें सिर्फ स्टैमन्स होते हैं मोस्टली क्या होता है जब जैसे ये फ्लोर आपको दिखाया इसमें दोनों है पिस्टल भी है और स्टेमिन भी है पिस्टल क्या है पिस्टल को हम फीमेल पार्ट बोलते हैं प्लांट का कौन सा पार्ट बोलते हैं फीमेल पार्ट और स्टेमन कौन सा है मेल पार्ट है ठीक है बच्चे पिस्टल फीमेल पार्ट है स्टेमन मेल पार्ट है अब जिस फ्लोर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों इकट्ठे होंगे उसको हम बोलते हैं कौन सा फ्लॉर बोलते हैं हर्मा फ्रोडाइट बोलते हैं कौन सा हर्मा फ्रोडाइट कौन सा फ्लोर होता है ये इसमें स्टेमन्स भी होते हैं और पिस्टल भी होता है कह रहे हैं कि जो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लोर का उसको हम पिस्टल बोलते हैं इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स अब कह रहे हैं कि अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो बाकी स्टेमन्स भी क्या करो निकाल दो और आइडेंटिफाई करो पिस्टल के पार्ट्स को विद द हेल्प ऑफ फिगर सेवन पॉइंट ट्वेंटी फोर इस बुक में जो आपको फिगर दी गई है सेवन पॉइंट ट्वेंटी फोर ये दिख रही है आपको ठीक है उसको देख के आइडेंटिफाई करो पिस्टल के पार्ट्स और क्या करो एक लेबल्ड वेल लेबल नीट एंड क्लीन डायग्राम पिस्टल की जो है वो ड्रॉ करो नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी नंबर इलेवन लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी ऑफ अ फ्लोर अब कह रहे हैं कि बच्चे अब हमने देखना है कि देखो हमने देखा पेटल्स भी हैं फ्लोर में सेपल्स भी हैं पिस्टल भी देखा स्टेमिन भी देखा पिस्टल का डिटेल स्ट्रक्चर नेक्स्ट पेज पे है वो भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है स्टामिन के पार्ट्स भी देखे एंथर फिलामेंट ठीक है बच्चा अब कह रहे हैं कि अब हमने क्या देखना है ओवरी का स्ट्रक्चर देखना है फ्लोर में ओवरी भी होती है ठीक है बच्चे ये फिगर दी गई सेवन पॉइंट ट्वेंटी फोर आपको इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ अ पिस्टल ये पिस्टल का स्वोलन और लोअर मोस्ट पार्ट होता है ठीक है पिस्टल में ही ओवरी होती है ठीक है कट दिस पार्ट टू स्टडी हाउ इट लुक्स इन साइड लुक एट फिगर पॉइंट ट्वेंटी फाइव ए अब कह रहे हैं कि हम इस पार्ट को कट करेंगे और हमें स्टडी करेंगे कि अंदर से कैसा दिखता है ठीक है और केयरफुली अंडरस्टैंड करेंगे कि ओवरी को कैसे कट किया जाता है नेक्स्ट है बच्चे क्या है दो ये है पिस्टल पहले ठीक है ये है ऊपर स्टिग्मा ये स्वोलन पार्ट इसको हम ओवरी बोलते हैं और ये पिस्टल स्टिग्मा और ओवरी से जॉइन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं स्टाइल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये पिस्टल के पार्ट है एंथर और फिलामेंट स्टैमन के पार्ट हैं ठीक है थीके? ये फीमेल पार्ट है वो मेल पार्ट है

ये कट है ये ट्रांसवर्स कट है ट्रांसवर्स ऐसे काटा हुआ है ऐसे काटा है लॉन्गिट्यूटनल ऐसे काटा है ठीक है ये जो आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ठीक है बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं ओव्यूल्स बोलते हैं ये है बच्चे ओव्यूल्स ठीक है अब कह रहे हैं डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द होवरी इनको हम क्या बोलते हैं ओव्यूल्स बोलते हैं अब हमने क्या पढ़ा ओवरी के अंदर ओव्यूल्स भी होते हैं अब कह रहे हैं कि इसको भी ड्रॉ करो अ पार्ट्स के ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक अच्छी तरह नीट एंड क्लीन ठीक है ये सारी पिक्चर्स आपने ड्रॉ करनी है ठीक है वन बाय वन ठीक है अब कह रहे हैं कि अब फील्ड ट्रिप पे आप क्या करो फाइंड करो नेम्स एज मैनी फ्लॉर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन रिमेंबर करना है कि प्लक नहीं करना है फ्लोर को ठीक है बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3 पॉइंट थ्री आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अब कह रहे हैं कि जो आपने 7.3 टेबल में ये आपके लिए होम असाइनमेंट है 7.3 टेबल आपने खुद फिल करना है 7.3 टेबल फिल करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दो डिड डू ऑल सेपल्स पेटल्स सेवन एंड पिस्टल्स ज़रूरी नहीं है मैंने आपको बोला मैंने आपको बोला ज़रूरी नहीं है हर फ्लोर में ये चारों चीज़ें होंगी कोई फ्लोर ऐसा होगा जिसमें सेप्पल्स नहीं होंगी पैटल्स होंगे ठीक है कोई फ्लोर होगा जिसमें ये दोनों चीज़ें होंगी और स्टेमन होंगे कोई फ्लॉर होगा जिसमें ये दोनों चीज़ें होंगी और पिस्टल्स होंगे कोई फ्लॉर ही ऐसा होगा जिसमें ये चारों चीज़ें होंगी और उस फ्लॉर को हम क्या बोलते हैं हर्माफ्लोडाइट फ्लॉर बोलते हैं आर देयर फ्लोर्स डेट डू नॉट हैव एनी एनी ऑफ दीज क्या पतक, क्या कह रहे हैं कि कोई फ्लोर ऐसा है कि जिसमें कुछ भी नहीं है इनमें से आर देयर फ्लोर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज क्या कुछ फ्लोर्स ऐसे हैं जिसमें इन पार्ट्स प्ला, प्ला, को छोड़ के बाकी पार्ट्स हैं डू यू फाइंड एनी फ्लोर विच हैव सेपल्स एंड पेटल्स डेट लुक सिमिलर कह रहे हैं कि कोई फ्लोर आपने देखा ऐसा जिसमें पेटल्स और सेपल्स जो हैं वो सेम हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड यू फाइंड एनी फ्लोर इन विच द नंबर ऑफ सेपल्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स येस हो सकता है ऐसा रोज़ फ्लोर है उसमें पेटल्स क्या होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और सेपल्स फाइव होते हैं ठीक है Do you now agree that the structure of a flower is not always the same? अब कह रहे हैं कि क्या आप अब agree करते हो कि flower का structure जो होता है वो same नहीं होता है हर flower में number जो होता है petals, stamen, pistils वो भी different होता है different flower में Sometimes some of these parts may even be absent और कुछ फ्लोर्स में ये पार्ट्स भी नहीं होते हैं ठीक है वी स्टडीज हमने क्या पढ़ा है अब इस चैप्टर में बच्चे ये आपका फ्लॉर टॉपिक कंप्लीट हो गया है वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ़ लीव स्टेम और रूट्स हमने स्टेम लीव्स और रूट्स के फीचर्स पढ़े वो कैसे होते हैं कि हमें दूर से ही पहचान में आ जाएँ ठीक है वो फीचर्स हमने पढ़े करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी फंक्शंस पढ़े इनके वी स्टडीड द वी स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ़ डिफरेंट फ्लॉर्स का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ठीक है जैसे हमने अभी बेल शेप उसका पढ़ा रोज़ का पढ़ा ठीक है और भी जो आपकी लोकेलिटी में फ्लॉर्स आप ये जो टॉपिक हमने पढ़ा फ्लोर आप उस को ध्यान में रखते हुए फ्लॉर को स्टडी कर सकते हो ठीक है बच्चा वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ़ फ्लॉर्स इन हायर क्लासेस अब फ्लॉर के जो फंक्शन है वो कह रहे हैं कि हम हायर क्लासेज में स्टडी करेंगे वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस हम फ्रूट्स के बारे में भी हायर क्लासेज में पढ़ेंगे प्लांट्स आर यूजली ग्रुप्ड इन टू आप कह रहे हैं कि हमने पढ़ा क्या प्लांट्स को ग्रुप किया गया है हर्ब्स शर्ब्स ट्रीज में और क्लाइंबर्स में उनकी हाइट को देखते हुए स्टेम और ब्रांचेज को देखते हुए अभी आपके लिए मोर टू नो है लार्जेस्ट फ्लोर का नाम क्या है रेफ्लेशिया लार्जेस्ट फ्लोर होता है इंडोनेशिया में ग्रो करता है और स्मॉलेस्ट फ्लोर क्या है वोल्फिया है ठीक है आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको बच्चे और एक चीज़ मैंने आपको बतानी है कि ये जो ओवरी होती है जो पिस्टल का पार्ट है ये जब फ्लोर जो होता है सूख जाता है बच्चे तो जो है ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल्स जो है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ओवरी किस में होती है ओवरी किस में कन्वर्ट होती है फ्रूट में फ्रूट में कन्वर्ट होती है और ओव्यूल्स सीड्स में ठीक है बच्चे आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा चैप्टर भी डिटेल में हमने अच्छे से पढ़ा है आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा ठीक है दैट्स ऑल चैप्टर इज कंप्लीटेड थैंक यू सो मच क्लास